हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी लगभग 2:26 हो रहे हैं अभी है, जो कि मैं घर पे ही हूँ फिलहाल। तो और अभी देखते हैं लगभग 2 बजे है, तो 3 या अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में। वहाँ से डीजे गाड़ी पे वो झंडा लेके आएंगे और जोत लेंगे आएंगे, तो वो आपको सबको दिखाऊंगा। पहले मैं स्नान करके रेडी हो जाता हूँ, फिर चलेंगे। मेरा स्नान हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ गांव के अंदर जहाँ डीजे की गाड़ी मतलब आ रही है उधर से, ठीक है। तो अब ओनली फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाएगा और वीडियो भी डिलीट हो सकती है मेरी, ऐसे रिक्स मैं ले सकता, ठीक है। फिलहाल चलते हैं।
गाइस पापा जी हमारा मंगल लेके आ चुके हैं, ये देखो खा रहे हैं सब। शंभू मिर्चा लेके आ चुका है, निकेश ले रहा है। सो गाइस हमारी 12 बजे की चाय आ चुकी है। प्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत साहब, जवाजा पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान गणपत सिंह जी रावत साहब आपके साथ पधारे। जब भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमेशा वो सफल हुआ, कोई भी काम में लेके और भक्ति मन से उनके आशीर्वाद निकलता है वो सफल। सरपंच साहिबा का स्वागत करें। पूर्व वार्डपंच एमएलए साहब को बता रहे थे यहाँ जो इस गांव की जो मांग है उस मांग को विधायक महोदय जी आपके वचनों में कह देंगे और जो भी आदेश होगा उस आदेश को पूरा करने का आपसे वचनबद्ध है। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। इस प्रांगण में हम आपके आगे बढ़ने की और चौथी बार आपको टिकट मिले और राजस्थान में भाजपा की सरकार बने और आप मंत्री बन करके और अगले चुनाव में जब भी आप आए तो मंत्री बन करके यह आए और इस माता का आशीर्वाद देवे, ऐसी हमारी सबकी बहुत दिली तमन्ना है। इसलिए विधायक महोदय हमारी आपसे एक तमन्ना है कि हमारे यहाँ पर एक ग्राउंड सुविधित है, 8 स्कूल हो गई, हमारी एक ये दीवार हो गई है और हमारे ये 4 दीवारी के आप घोषणा कर जाओ। भारत माता की जय। बोलो आशा ब्रा माता की जय। आज देवी माँ के नवे जागरण के अंदर इस भव्य कार्यक्रम माता श्री के दरबार में नगर सिंह की तरफ से सादर प्रणाम। आज माता श्री के इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों ने जो जो आदेश देंगे 100% उसकी पालना होगी, ये मैं आपको अभी काम का बंटवारा हम लोग करेंगे कि सरपंच महोदय ये धंधा का काम आपको पूरा करना है, ठीक है, करना है किसी भी मत में करना है, लेकिन ये धंधा बनना चाहिए, मेरे को ओलंबा वापस नहीं है गांव का, ठीक है ना। और प्रधान साहब इस 4 दीवारी के लिए जो मैदान भव्य बना है खेल मैदान उसकी समस्तीकरण के लिए 5 लाख रुपए की बहुत बहुत ये दोनों काम कर्नल साहब ने यस कर दिए हैं और दोनों काम आपका आदेश चलेगा। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, 12:47 हो रहे हैं, ठीक है, हम सो गए थे वहाँ पे, फिर लेट आए, फिर यहाँ पे आने के बाद भी सो गए, काम वाम किया थोड़ा बहुत और फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर है वो लेने गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्त, 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।